टिटलागढ़ की एक रात। बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी, वो भी नागपुर में। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत टूर करना पड़ता था। मार्च महीने के दिन थे, दोपहर का वक्त था और तेज गर्मी से मेरा बुरा हाल था। बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का, कंबख्तों ने उस दिन बिजली काट रखी थी। मेरा दिमाग बहुत खराब था। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मेरा खराब मन और चिड़चिड़ा हो गया। यार क्या कर रहा हूं मैं आजकल यहां पर। एक तो उमस भरी गर्म हवाएं खिड़की से आकर हाल खराब किए जा रही थी और ऊपर से ढेर सारा काम। ओ माय गॉड, मार्च का महीना, टारगेट चेजिंग, एक सेल्समैन की जिंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये कोई मुझसे आकर पूछे यार। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। मुझे पक्का विश्वास था कि ये जरूर मेरे बॉस का फोन होगा, मुझे कोई ना कोई काम दे रहा होगा। और ऊपर देखा तो हाँ, बॉस का फोन है। क्या करें, बड़े ही अनमने मन से मैंने फोन उठा लिया। हेलो, दिस इज राजेश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। उधर से बॉस की खरखराती हुई आवाज मेरे कानों में आई और मैं एकदम अचानक, राजेश तुम आज के दिन से ही टिटलागढ़ में जाकर वहां के स्टील प्लांट में परचेज ऑफिसर से मिलो, मैं फैक्स भेज रहा हूं, सारी डिटेल उसी में है। तभी ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। सर अगले हफ्ते चला जाऊं? नो डियर, अगले हफ्ते कोई और काम दूंगा। गो एंड गेट इन एंड रिपोर्ट मी सून, ओके? फोन कट गया और मेरा दिमाग और खराब हो गया। कुछ दोस्तों को फोन किया तो पता चला कि टिटलागढ़ जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ट्रेन। मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहां से दुर्ग से विशाखापट्टनम तब तक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात टिटलागढ़ पहुंचती है। मैं सोच ही रहा था कि फैक्स आ गया, उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी और उस परचेज ऑफिसर की डिटेल दी गई थी और इस कंपनी की ज़रूरत की इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स भी दी गई थी। पढ़कर लगा कि ये तो 100% सेल्स है, मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता, खुशी की बात थी। और मैंने जाने का फैसला कर लिया और समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। तभी रेलवे स्टेशन में फोन करके ट्रेन्स की बावत के बारे में पता किया तो एक ट्रेन थोड़ी ही देर में जाने वाली थी, नागपुर 5 बजे दुर्ग एक्सप्रेस, जो कि मुझे दुर्ग में शाम को 5 बजे तक पहुंचा दे सकती थी और उसके बाद वहां से मैं शाम को दूसरी गाड़ी शायद तकरीबन 7 बजे पकड़ सकता था। मतलब मुझे अभी से ही निकलना होगा। यही सोचकर सारी पैकिंग कर लिया। वैसे भी एक सेल्समैन का बैग हमेशा पैक ही रहता है। मैं स्टेशन निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो लगा कि इतनी भीड़ कि बस पूछो मत। लगता है कि सभी को बस कहीं ना कहीं हमेशा जाने का ही रहता है। और स्टेशन पर आकर ही पता लगता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैं टिकट लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट कलेक्टर बाबू आए तो उन्होंने खुशामद करके एक रिजर्वेशन की बर्थ ले ली और उस पर पसर कर सो गया, ये सोचकर कि क्या पता रात को नींद मिले या नहीं। थोड़ी देर बाद ही किसी ने उठाया, बाबूजी आपका स्टेशन आ गया। बाहर देखा तो दुर्ग स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। मैं बाहर आया, थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी शाम 7 बजे निकलेंगी। मैंने घड़ी देखा, करीब 1.5 घंटे का समय था। मैंने अपनी घड़ी को देखा और बोला, पता नहीं रात को वहाँ टिटलागढ़ में मुझे कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं, अभी ही कुछ खा पी लेता हूँ नहीं तो। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था, उसी में बैठकर दाल रोटी खा ली और एक गिलास लस्सी पी ली और भाई साहब मेरा तो पेट भर गया। फिर क्या था,
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी का काम किया। मैंने एक टिफिन बंधवा लिया और एक थम्स अप कोला की बोतल लेकर उसे आधा पी लिया, फिर उसमें रम मिला लिया। ये कॉकटेल सेल्समैन के पास हमेशा ही रहती है। अब मैं अगली यात्रा के लिए तैयार था पूरी तरह से। टिटलागढ़ की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठा। ट्रेन को आने में समय था, सोचा कि एक किताब ही क्यों ना खरीद लूं। बस मैं पहुंच गया किताब खरीदने के लिए स्टॉल पर। वहां बुक स्टॉल में देखा तो नई वाली मनोहर कहानियां थी और ब्रोम स्टोकर की ड्रैकुला थी, दोनों ले ली मैंने। उस वक्त ये दोनों ही किताबें बड़ी चलती थी। ड्रैकुला मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, यारों ने बड़ी तारीफ की थी इसकी, इसलिए इसे आज खरीद लिया। और हम सेल्समैन के लिए मनोहर कहानियां बहुत बड़ा टाइम पास हुआ करता था उन दिनों। खैर, थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोगों का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने की ठेले और लोगों की भीड़। फिर धीमे धीमे चलती हुई ये पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग टूट पड़े, जिसको जगह मिली वो वहाँ पसर गया और सवार के बैठ गया भैया। फिर क्या था, मैं भी एक डिब्बे में घुस पड़ा और एक खिड़की की सीट हथिया ली मैंने। उसके बाद पूरी ट्रेन लोगों, मुर्गियों और बकरियों, खाने पीने की चीज़ों के अलग अलग आवाज़ों से भर गई। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत की रेलगाड़ियाँ और उनका सफ़र कुछ ऐसा ही होता है। खैर, ट्रेन शुरू हुई और हर जगह रुकती हुई अपने मुकाम पर चल पड़ी। मैंने अपनी थम्सअप की बोतल से धीरे धीरे कोला सोमरस की चुस्कियाँ लेना शुरू की और मनोहर कहानियों को पढ़ने के लिए निकाला। तभी ये भूत प्रेत विशेषांक था। मुझे इस तरह की कहानियाँ और फिल्में बड़ी पसंद आती थी। कुछ कहानियाँ पढ़ने के बाद देखा तो रात हो चली थी, ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकी थी। बहुत से मुसाफिर ऊंघ रहे थे, कुछ सो ही गए थे, कुछ बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखी तो रात के करीब 10 बजे थे। मैंने बैग में से अपना टिफ़िन निकाला और खाना शुरू कर दिया। ये टिफ़िन मैंने दुर्ग में ढाबा से बंधवा लिया था, वही टिफ़िन था। खाने के बाद फिर धीरे धीरे चुस्की लेते हुए मैंने अब ड्रैकुला किताब पढ़नी शुरू की। ये एक ज़बरदस्त नॉवल था। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मैंने देखा घड़ी रात के कम से कम 1:30 बज चुके थे, यानी मेरा स्टेशन अब आने ही वाला था। आसपास के मुसाफिरों से पूछा तो पता चला कि ट्रेन थोड़ी लेट है और करीब 2 बजे तक पहुंचेगी। मैंने अब अपना बैग बंद किया और इंतज़ार करने लगा उस स्टेशन का जहां मैं पहली बार जा रहा था, और नाम से ही ये कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था। टिटलागढ़, भला ये भी कोई नाम हुआ। खैर, अपने देश में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे गाँवों के और शहरों के भी। करीब 2:15 पर मेरा स्टेशन आ गया। मैं उतरा और चारों तरफ देखा तो एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। अब किसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ और सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूँगा। स्टेशन पर एक टीटी दिखाई दिया। अरे भाई साहब, यहाँ कोई होटल होगा आसपास? साहेब, ये छोटी सी जगह है, यहाँ कौन सा होटल मिलेगा आपको? आप तो यहीं वेटिंग रूम में रात गुजार लो और कल जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। वेटिंग रूम में रात गुजारने से बेहतर है कि मैं एक कोशिश क्यों ना कर लूँ होटल ढूंढने की। रात भर नींद आ जाए तो दूसरे दिन का काम कुछ बेहतर हो सकता है। बस फिर क्या था, मैं स्टेशन के बाहर पहुँचा तो देखा मरघट जैसा सन्नाटा था, बिल्कुल शांत। अभी तक के लिए इतना ही था, आगे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।